बच्चों आज हम लोग क्लास 12 का इंग्लिश का टेस्ट लेंगे। मैं सवाल पूछूंगा, जिन बच्चों का नहीं होगा उसका मैं माइनस यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। जिसका भी ज्यादा माइनस होगा समझ जाना उसका परफॉर्मेंस बहुत लो है, ठीक है। तो बोलो बच्चा, द आर्टिस्ट किसने लिखा? आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट, चलो नहीं याद है इसको, माइनस वन। बोलो सिगाने, वेरी गुड। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, महात्मा गांधी। द अर्थ एचीवेट्स, वेरी गुड। ये बताओ तुम बच्चे कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किसने लिखा? डब्ल्यू एच ऑर्डन, ठीक है। ये बताइए, अगला बताओ, भारत इज माई होम किसने लिखा? गलत, डॉक्टर जाकिर। चलो नेक्स्ट, अगला बताओ बच्चा तुम कि एज वेडनेसडे किसने लिखा? एज वेडनेसडे, गलत, टी एस एलियट। एज वेडनेसडे लिखा है टी एस एलियट ने। तुम गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसने लिखा? अरुंधति रॉय, बिल्कुल सही। पामेला किसने लिखा? पामेला रिचर्डसन, ठीक है। आगे बताओ, द गोल्डन गेट किसने लिखा? विक्रम सेठ। तुम बताओ, ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा? खुशवंत सिंह, बहुत बढ़िया, गुड। अगला बताइए बच्चे, तुम्हें बताना है कि टू ऑटम किसने लिखा? टू ऑटम, जॉन किट्स, वेरी गुड। चलो आगे बताओ, सही है, तुम बताओगे कि किस कवि को हम लोग जैपनीज पोएट भी बोलते हैं? जैपनीज पोएट किस कवि को बोलते हैं, उसका नाम बताइए, ऑथर का। यस, विलियम शेक्सपियर, गलत। तुम बोलो, सिगा नया क्या बोलते हैं? जैपनीज पोएट। तुम बोलो बच्चे, हेलो, एक ब्रिटिश पोएट का नाम बताओ। बर्टांड रसल। इसका तरीका है बी फॉर बर्टांड, बी फॉर मतलब ब्रिटिश, बी फॉर ब्रिटिश, बी फॉर बर्टांड रसल। चलो अगले बताइए बच्चा कि तुम बताओ एक इंडियन पोएट का नाम बताओ। कमला दास, वेरी गुड। बात ये बताओ कि माय ग्रैंड मदर हाउस किसने लिखा? कमला दास, बहुत बढ़िया है। तुम बताओ बच्चा, योगा योग किसने लिखा है? रविनाथ टैगोर, वेरी गुड। तुम बताओ, रेड ओलियंडर नामक बुक किसने लिखा है? रविनाथ टैगोर। चित्रा किसने लिखा है? रविनाथ टैगोर। गीतांजलि किसने लिखा है? रविनाथ टैगोर, बिल्कुल सही। देखो चार बुक रविनाथ टैगोर ने लिखा है, योगा, काबुली वाला, चकोर वाली भी बुक लिखा है, चतुरंगा भी लिखा है, वैसे बहुत सारा बुक है। चलो चलिए, मेन है, देखो मेन गीतांजलि, मेन क्या है? रेड ओलियंडर, गीतांजलि, रेड ओलियंडर, चित्रा, ये तमाम बुक किसने लिखा है? रविनाथ टैगोर। चलो तुम बताओ क्लास, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक एक बहुत ही अच्छा पुस्तक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो बता दो हमें डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जॉन की, गलत। चलो क्लास माइनस तीन, चलो कला माइनस, बताओ तुम बच्चा डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा? आई डोंट। चलो नेक्स्ट, अगला बता गौतम, जवाहरलाल नेहरू। हाँ, जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सुनो, भारत की खोज नामक पुस्तक लिखा है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ, अच्छा याद कर लो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तुम बोलो, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ नामक महात्मा गांधी। चलिए बहुत बढ़िया, आप बताइए महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? गलत, 1869। यस, वेरी गुड, 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में, 1869 में। चलो अगला बता बच्चा, कंठापुरा कंठापुरा मुल्क राज आनंद, गलत हो गया आपका, राजा रहो। कंठापुरा बुक किसने लिखा? राजा रहो, जागृति में भी खाता खुल गया, माइनस वन। चलो अगला, हाय वंदना किसने लिखा? ग्रीस कनाड, बहुत बढ़िया, गुड। चलो बताओ बच्चा, अनटचेबल किसने लिखा? मुल्कराज आनंद। कूली किसने लिखा? कूली मुल्कराज आनंद।
चलो ठीक है, अगला बताओ बच्चा। हाँ अगला बताइए आप, आसान क्वेश्चन है, ये बताओ कि ओल्ड इंग्लिश की शुरुआत कब, कितने से कितने पीरियड हुई ओल्ड इंग्लिश? ओल्ड इंग्लिश 449 से 1166 तक। बिल्कुल यस, 449 से 1166। आप बताइए कि मिडिल इंग्लिश की शुरुआत कब से कब तक हुई? 1150 से 1500। पप्पू तुम बताओ मॉडर्न इंग्लिश जो चल रहा है 1500 से टिल नाउ। वेरी गुड, सही है सही है। तुम बोलो गौतम, द रेप ऑफ द लॉक, चलो बोलो किसने लिखा है द रेप ऑफ द लॉक? चलो गौतम है -1। नहीं याद है रेप ऑफ द लॉक, बोलो। यस, रेप ऑफ द लॉक अलेक्जेंडर पॉप, बोलो रेप ऑफ द लॉक अलेक्जेंडर पॉप। देखो राय में मिलता है रेप ऑफ द लॉक अलेक्जेंडर पॉप, रेप ऑफ द लॉक अलेक्जेंडर पॉप, बोलो याद हो जाएगा। अगला बताइए सावित्री नामक पुस्तक किसने लिखा? गलत, सावित्री नामक पुस्तक, चलो नंदिनी -1, अरविंदो बोल दिया। अगला प्रश्न बताओगे, चलो नेक्स्ट, द व्हाइट टाइगर नामक बुक किसने लिखा? बस तभी बताएगी द व्हाइट टाइगर नामक बुक, बताइए जल्दी। गलत, अरविंद अडिगा। चलिए अगला टर्म है आपका, बताइए ध्यान समझिए क्वेश्चन पहले, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, बोलो माधवी बताओ, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, बोलो किसका तुम्हारा टर्म है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस? नहीं याद है, जागृति -1। मैं बताता हूं द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस का किरण देसाई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस बुक लिखा है किरण देसाई, याद कर लो अच्छे से, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई, ठीक है। चलिए आगे बताओ द शैडो लाइंस नामक पुस्तक किसने लिखा? अमिताभ घोष, वेरी गुड। तुम बताओ विलेज सॉन्ग किसने लिखा बुक? सरोजिनी नायडू। तुम बताओ बच्चे सॉन्ग ऑफ राधा किसने लिखा? बोलो सूरज -1। सॉन्ग ऑफ राधा भी किसने लिखा है? सरोजिनी नायडू। चलो तुम बताओ बच्चा सुल्ला बुक किसने लिखा? SULA नामक बुक किसने लिखा? सुल्ला। चलो तुम बोलो क्लास, सुल्ला नामक बुक बोलता, तुम बोलो हमारा पर क्या है, बोलो सुल्ला नामक बुक। चलो चलिए बताइए, नहीं टोनी मॉरिसन। चलो क्लास पप्पू गौतम मनीषा नंदिनी वैष्णवी, चलो सुल्ला नामक बुक लिखा है टोनी मॉरिसन। टोनी अच्छे से याद कर लो, ये सवाल बहुत टफ है, इतने बच्चों को नहीं हुआ। सुल्ला टोनी मॉरिसन। चलो आगे बताओ बच्चा, अब पिंच ऑफ स्नफ किसका है? मनोहर मालूम का आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, बोलो द आर्टिस्ट सिगा नोया। तुम बोलो बच्चा द अर्थ किसने लिखा? द अर्थ बिल सुपर। तुम बोलो एची बेट्स, वेरी गुड, द अर्थ एची बेट्स। चलो क्लास, चलो -1, द अर्थ लिखा है अच्छी बेट्स। अगला बताओ बच्चा, अ मैरिज प्रपोजल एंटोन चेकोव। गुड, अ मैरिज प्रपोजल एंटोन चेकोव, पप्पू ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। नेक्स्ट अगला गौतम बताओ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नामक बुक किसने लिखा? बता जरा -1 वॉल्ट विदमैन। चलो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा वॉल्ट विदमैन। तुम बताओ बच्चा वॉल्ट ऑफ विदमैन का एज कितना है? गलत, चलो 37 साल। कितना साल है बच्चा? 37 साल। वॉल्ट विदमैन का एज 37 ईयर ओल्ड, ठीक है। चलिए बढ़े अगला, एन एपिटाफ किसने लिखा? वाल्टर देला मारे।
द सोल्जर रपट ब्रूके मैकेबिटी द मिस्ट्री कैट टीएस एलियट फायर हैम के केंद्र वाला स्नेक डीएच लॉरेंस बोले आगे होता हूं तुम बोलो माय ग्रैंड मदर हाउस कमलाला फिर क्लास में सारा माइनस नहीं ये होना कमलाला माय ग्रैंड मदर हाउस कमला दास चलिए अगला बताओ बच्चा एज यू लाइक इट एक बार में माइनस एज यू लाइक इट किसने लिखा है विलियम शेक्सपियर तुम बोलो रोमियो एंड जूलियट विलियम शेक्सपियर तुम बताओ ओलिवर ट्विस्ट चार्ल्स डिकेंस चलो अगला बताइए बच्चा ट्वाइस बॉर्न एंड ट्वाइस डेड दो बार जन्म और दो बार मृत्यु ट्वाइस बॉर्न एंड ट्वाइस डेड ये किसने लिखा है ट्वाइस बॉर्न एंड ट्वाइस डेड ये बुक किसने लिखा है मनीषा माइनस वन नंदिनी बताओ गलत वैष्णवी माइनस जागृति ट्वाइस ट्वाइस बॉर्न एंड ट्वाइस डेड गलत तुम बताओ ट्वाइस किसी ने पता ये सवाल बहुत टफ सवाल चलो चलिए मैं इसका बताता हूँ के एस दुग्गल के एस दुग्गल के एस दुग्गल ने लिखा है ट्वाइस बॉर्न एंड ट्वाइस डेड अच्छे से याद कर लो ट्वाइस बॉर्न एंड ट्वाइस डेड किसने लिखा है के एस दुग्गल चलिए आगे बताओ अगला अब बेंड अगला बताओ बच्चा तुम बताओ हाँ अगला नेक्स्ट अब पिंच ऑफ स्नप किसने लिखा अब पिंच ऑफ स्नप बोलो क्लास में सा माइनस चलो मनोहर मालगोंकर वेरी गुड मनोहर अगला बताओ आई हैव अ ड्रीम किसने लिखा मार्टिन लूथर किंग जूनियर किंग नेक्स्ट आगे बताओ बच्चा ये कि अ चाइल्ड इज बॉर्न किसने लिखा चलो माइनस वन चलो बताओ माइनस वन जर्मेन ग्रीर अ चाइल्ड इज बॉर्न जर्मेन ग्रीर किसने लिखा जर्मेन ग्रीर अगला बताइए बच्चे कि हाफ फ्री इज द प्रेस किसने लिखा ड्रुथियल साइरस द अर्थ किसने लिखा एची बेट्स चलो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट डब्ल्यू टू आउट एन एपिटाफ मारे चलिए आगे नेक्स्ट मैं पूछ रहा हूं बच्चा हाँ रेप ऑफ द लॉक सुनो रेप ऑफ द लॉक एलेक्जेंडर पॉप तुम बोलो बच्चा द ग्रेट इंडियन नॉवेल सुनो बताएगा द ग्रेट इंडियन नॉवेल बुक किसने लिखा चलो माइनस वन बता जी द ग्रेट इंडियन नॉवेल द ग्रेट इंडियन नॉवेल बुक किसने लिखा बोलो कैलाश झा माइनस वन पप्पू द ग्रेट इंडियन नॉवेल गौतम माइनस वन शशि थरूर हाँ शशि थरूर चलो बिल्कुल राइट चोरी हो और थेलो नामक पुस्तक किसने लिखा विलियम शेक्सपियर वेरी गुड इम्मा इम्मा नामक बुक जेन आस्टिन कैंडिडा गलत जीबी सो कैंडिडा जीबी सो कैंडिडा जीबी सो इतना इजी क्वेश्चन कैंडिडा जीबी सो अगला बताइए प्राइड एंड प्रेजुडाइस जेन आस्टिन वेरी गुड कंठापुरा राजा रॉ जोर से बोलो सरपेंट एंड द रोप चलो पप्पू माइनस वन सर गोपी गोपी माइनस वन सरपेंट एंड द रोप राजा रॉ राजा रॉ तुम बोलो देख मैकबेथ मैकबेथ नामक पुस्तक किसने लिखा एम ए सी मैक बी ई टी एच बेथ मैकबेथ नामक पुस्तक चलो तुम बोलो मैकबेथ चलो सुराज माइनस वन मैकबेथ बताओ विलियम शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर का बुक है मैकबेथ तुम बताओ ट्वेल्थ नाइट विलियम शेक्सपियर हार्ड टाइम्स चार्ल्स डिकेंस हार्ड टाइम्स चार्ल्स डिकेंस सही है अगला बताओ वेटिंग फॉर गॉडॉट सैमुअल बेकेट वेटिंग फॉर गॉडॉट सैमुअल
बैकेट तुम बोलो बच्चा अगला द टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर बिल्कुल सही विलियम शेक्सपियर चलो जूलियस सीजर विलियम शेक्सपियर चलो अगला बताओ नेक्स्ट है बच्चा बोलो अनटचेबल जोर से बोलो मुल्कराज अनंत वेरी गुड पिग मिलियन जल्दी जल्दी कौन चलो माइनस वन जीबी सौ कैंडिडेट चलो अगला नेक्स्ट सुनो पिग मिलियन जीबी सौ तुम बोलो विलेज वॉइस इन द सिटी वॉइस इन द सिटी नामक अनीता देसाई वेरी गुड तुम बोलो अगला बोलो सूरज ए सुटेबल बॉय आसान सवाल है ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ अब सुटेबल बॉय विक्रम सेठ याद कर लो अब सुटेबल बॉय जो सुटेबल होगा वो कौन होगा सेठ होगा सेठ नाम का आदमी विक्रम सेठ ऐसे याद कर लेना बोलो डेविड कॉपरफील्ड मुकराज अनंत माइनस वन चार्ल्स डिकेंस डेविड कॉपरफील्ड चार्ल्स डिकेंस तुम बोलो वोल पोने बेन जॉनसन बेन जॉनसन अगला बताओ द व्हाइट टाइगर माइनस वन माइनस चलो तुम व्हाइट टाइगर अरविंद अड्डिका अगला वेस्ट लैंड नामक पुस्तक किसने लिखा वेस्ट लैंड गलत वेस्ट लैंड बोलो वेस्ट लैंड वेस्ट लैंड टीएस एलियट वेस्ट लैंड टीएस एलियट टीएस एलियट के बाद बताओ मतलब जो कैम्मा शताब्दी का है बीस सेंचुरी वेरी गुड गुड सही है द वे ऑफ द वर्ल्ड तुम लोग गोपी द वे ऑफ द वर्ल्ड वे ऑफ द वर्ल्ड चलो विलियम कॉन्ग्रीव विलियम कॉन्ग्रीव अगला अगला बताओ चा जूलियस सीजर बुक नामक किसने लिखा जीवी सा गलत विलियम शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर अगला नेक्स्ट बच्चा अनटचेबल मुल्कराज अनंत अनटचेबल मुल्कराज अनंत वेटिंग फॉर गो डॉट सैम्यूल बेकेट द शैडो लाइंस अमिताभ घोष वेरी गुड अगला बताओ द रेप ऑफ द लॉक अगला बताओ द पीकॉक पीकॉक मतलब मोर द पीकॉक नामक बुक किसने लिखा चलो माइनस वन द पीकॉक द पीकॉक द पीकॉक अनिता देसाई वेरी गुड द पीकॉक अनिता देसाई वेरी गुड गुड नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा द ग्रेट इंडियन नोवेल तुम ग्रेट इंडियन नोवेल चलो राजा शशि थरूर द ग्रेट इंडियन नोवेल शशि थरूर नेक्स्ट पैराडाइज लॉस्ट पैराडाइज लॉस्ट चलो बोलो पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन गुड जॉन मिल्टन नेक्स्ट डेविड कॉपरफील्ड चार्ल्स डिकेंस कौन बोला ग्रीक कौन से सॉरी ये जो अगला क्वेश्चन है बच्चा कि हमें बताओ कि कुली नामक पुस्तक किसने लिखा कुली मुल्कराज आनंद नेक्स्ट अ सुटेबल बॉय विक्रम सेठ ये बताइए ड्रामा शब्द जो है ड्रामा किस वर्ड से आया है ग्रीक ड्रामा शब्द आया है ग्रीक वर्ड से बहुत ही मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगला बताओ ड्रामा का मतलब क्या होता है थिंक डन ड्रामा का मतलब थिंक डन आप बताइए इंग्लिश का पहला कॉमेडी क्या है रोस्टर डोस्टर इंग्लिश का पहला कॉमेडी रोस्टर डोस्टर इंग्लिश का पहला ट्रेजेडी क्या है गोरबो डक इंग्लिश का पहला ट्रेजेडी गोरबो डक इंग्लिश का पहला कॉमेडी
रोस्टर बेस्ट ऐसे रख लो। इसका पहला कॉमेडी रोस्टर रोस्टर, एंड इसका पहला टेस्टी गोरबो डक। प्लेन टू पाकिस्तान किसने लिखा? खुशवंत सिंह। नेक्स्ट हार्ड टाइम्स विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर गलत है। नेक्स्ट तुम बोलो हार्ड टाइम्स चार्ल्स डिकेंस। नेक्स्ट अगला नेक्स्ट बताओ अनटचेबल। अनटचेबल अनटचेबल बुक मुल्क राज है ना। मुल्क राज आनंद गुड वेरी गुड सही है। पिग मिलियन जीवी साहब जीवी साहब गुड सही है। फेरी क्वीन एडमन स्पेंसर। फेरी क्वीन एडमन स्पेंसर मोस्ट सुपर स्टार क्वेश्चन। फेरी क्वीन एडमन स्पेंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अगला क्वेश्चन है बच्चा मर्चेंट ऑफ द वेनिस विलियम शेक्सपियर। लुक बैक इन द एंगर। लुक बैक इन द एंगर नो नो अगला लुक बैक इन द एंगर। लुक बैक इन द एंगर बताओ तुम बोलो। लुक बैक इन द एंगर जॉन ऑसबोर्न। यस अगला था नेक्स्ट यू टेल मी ट्वेल्थ नाइट किंग लियर। किंग लियर विलियम शेक्सपियर। ट्वेल्थ नाइट विलियम शेक्सपियर। ओथेलो विलियम शेक्सपियर। मैकबेथ विलियम शेक्सपियर। रोमियो एंड जूलियट विलियम शेक्सपियर। मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर। द टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक अरुंधति। ओल्ड इंग्लिश के बच्चा चार डायलेक्ट बताओ। ओल्ड इंग्लिश चार डायलेक्ट मर्सियन कैंटिस मर्सियन नॉर्थ अम्बेरियन वेस्ट सेक्स। गुड अगला बताओ द वे ऑफ द वर्ल्ड। बच्चा मिडिल इंग्लिश का पांच डायलेक्ट होता है पांचों का नाम बताइए। नॉर्दर्न साउथर्न ईस्ट एंड वेस्ट मिलान कैंटिस। नॉर्दर्न साउथर्न वेस्ट मिलान कैंटिस। नॉर्दर्न साउथर्न ईस्ट मिलान वेस्ट मिलान और कैंटिस। बिल्कुल सर गुड वेरी गुड। नेक्स्ट अगला बताओ बच्चा तुगलक। तुगलक नाम का एक प्रसिद्ध बुक है किसने लिखा बोलो। चलो बोलो ग्रीस कर्नाड। यस तुगलक है बंदना ग्रीस कर्नाड। तुगलक और है बंदना ग्रीस कर्नाड। मैन एंड सुपरमैन जीबी सॉ। मर्चेंट ऑफ द वेनिस विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर।